हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दा थिंकर थिंक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ी वैकेंसी है ये। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक पदों पर आपकी 5,670 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है उधर के बोर्ड की तरफ से। क्या क्या आपके क्वेश्चन होंगे, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, कब से ऑनलाइन इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, फीस क्या है, मिनिमम एज क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके कवर किए जाएंगे। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, ठीक है? तो देखिए आप दोस्तों, ये रहा वो आपका ऑफिशियल नोटिस जो कि मध्य प्रदेश शासन बोर्ड की तरफ से, आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम आपकी पुस्तिका है ये। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो आपके होंगे, फॉर्म स्टार्ट वो हो चुके हैं आपके स्टार्ट 28 तारीख से, यानी 28 सितम्बर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर लास्ट डेट जो आपकी है वो है 12 अक्टूबर, आपको याद रखना है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो बताई जा रही है वो 17/10/2018, यानी 17 अक्टूबर 2018 है। और परीक्षा जो आपकी होगी वो आपकी 19 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको फीस बता देता हूँ दोस्तों। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जिनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए फीस यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है। और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 250 रुपये यहाँ पर रखी गई है, ठीक है? फीस मिनिमम फीस यहाँ पर इतनी रखी गई है। अब मैं आपको वहाँ पर सीधे आपको क्या दिखाता हूँ, आपकी एज क्वालिफिकेशन और आपको क्या क्या कौन से लोग इसको एलिजिबल हैं कि वो लोग भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए 5,670 पदों पर भर्ती है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है अभी, लेकिन 5,670 पदों पर भर्ती आई है। यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस भी है, देख लीजिए आप लोग कौन कौन लोग भर सकते हैं। यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी, संबंधित विषय में स्नातक यानी आपके पास डिग्री तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष या अथवा, तो आपको यहाँ पर बताना है कि संबंधित विषय में से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि यानी आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है? और भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उसके अनुसार से ये आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्द भर दीजिए। लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर है। जिन लोगों को टीचर के लिए वैकेंसी की तलाश थी, ये उनके लिए सुनहरा मौका है, वहाँ पर आप लोग जाकर फिलअप कर सकते हैं। आपका रिजर्वेशन जैसा कि अकॉर्डिंग उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, एज लिमिट भी उस स्टेट के अकॉर्डिंग या सेंट्रल नोटिस की तरफ से दिया जाएगा जैसा कि दिया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, यदि कोई भी डाउट हो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।